तो इस टाइप के वाटर हीटर दोस्तों आप खुद से अपने घर में बना सकते हैं। आपको इसमें 4-5 हज़ार रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा गीजर इस टाइप से बना के आप खुले अपने घर में यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिव और आप देख रहे हैं टेक्निकल शिव टेक। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही कम प्राइस में एक वाटर हीटर बना के दिखाएंगे और ये वाटर हीटर दोस्तों आपको मात्र 2 से 3 मिनट में आपको उबलता हुआ पानी दे देगा और ये ठंडी का मजा आप आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। जो 2 मिनट में पानी गर्म करके इजीली आप खाना बना सकते हैं या फिर आप नहा धो सकते हैं। और ये दोस्तों जो वाटर हीटर बनाएंगे ये मात्र 450 रुपया में आपका वाटर हीटर बन के तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, आज जो हम जो गीजर बनाएंगे वो एक पीवीसी पाइप के द्वारा बनाएंगे। दोस्तों ये देखिए, एक मेरा ये पीवीसी पाइप है। आपको ये पीवीसी पाइप इजीली कोई भी प्लम्बर दुकान में दोस्तों इजीली 1 फीट का पाइप आपको 20 रुपया में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पाइप का मेजरमेंट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो पाइप है दोस्तों मेरा ये 12 इंच का है। उसके बाद फ्रेंड एक एलिमेंट लेंगे, ये देखिए ये गीजर का एलिमेंट है जो 1000 वाट का है। दोस्तों आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इसको इजीली 270 से 80 रुपया के बीच आप ले सकते हैं। आप इससे महंगा भी आता है दोस्तों, लेकिन आपको महंगा एलिमेंट परचेस करने का कोई जरूरत नहीं है। आप ये इजीली 270 से 350 के बीच में कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो ये मेरा जो एलिमेंट है ये दोस्तों हम 270 रुपया में परचेस किए हैं। आप इस टाइप से एक एलिमेंट लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक इस टाइप से इनकेप लेना होगा, ये पीवीसी का इनकेप है। आप कोई भी प्लम्बर दुकान में जाइएगा तो दोस्तों आपको इजिली ये 20 रुपया पीस मिल जाएगा। तो ये इनकेप लेंगे दोस्तों, और ये जो एलिमेंट है मेरा, एलिमेंट का ये वाला पर्सन जो पत्ती है, पत्ती को खोल के निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ये देखिए खोल के निकाल लेते हैं। तो इजिली ये केप को हटा लीजिएगा दोस्तों एलिमेंट का। इसको हम इस टाइप से रख के कलम की सहायता से इसको मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करके हम होल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम मार्किंग कर लेते हैं। अब ये जो मार्किंग किए दोस्तों इसको हम होल करके निकाल लेते हैं सबसे फर्स्ट में। तो ये देखिए दोस्तों, जो हम इनकेप लिए थे, इनकेप में हम जो मार्किंग किए थे, मार्किंग को होल कर लिए हैं। अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम इस टाइप से अंदर से डालेंगे। ये देखिए इस टाइप से इसके एलिमेंट को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए ये इजीली आपका लग जाएगा इस टाइप से। और इसके ये जो बाहर का केप है दोस्तों, बाहर का केप को हम केवल ऊपर से लगा देंगे जो। और ये जो वाशर है इसके अंदर जो ब्लैक वाला वाशर है, वाशर को आप अंदर से ही रहने दीजिएगा क्योंकि ये बाहर वाशर नहीं लगेगा। और ये जो केप है, केप को हम इस टाइप से लगा देंगे। ये देखिए, और इसके जो बोल्ट है, बोल्ट को हम इस टाइप से लगा के इसको प्रॉपरली फिटिंग कर देंगे। इसको लूंज नहीं रखिएगा, नहीं तो ये आपका अंदर से पानी सीपेज करेगा। ये देखिए इस टाइप से इसको हम कस देंगे। तो फाइनली दोस्तों देखिए, हम ये जो एलिमेंट था, एलिमेंट को हम यहाँ पे सेटअप करके इसके बोल्ट को भी लगा दिए। ये देखिए अब ये इस टाइप का दिख रहा है। ये देखिए अब इसको हम यहाँ से साइड कर देते हैं। फ्रेंड ये वाला पाइप में जो ये एलिमेंट को हम सेटअप किए हैं, सेटअप को इस टाइप से लगा देंगे। तो ये हम डायरेक्टली लगाएंगे नहीं दोस्तों, एक पीवीसी का जो पेस्ट आता है, पेस्ट को हम लगाएंगे सबसे पहले। तो ये देखिए ये पेस्ट आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, या फिर आपके पास अगर फेविक्विक होगा तो फेविक्विक लगा के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हम पेस्ट लगा दिए दोस्तों। अब ये जो पाइप है, पाइप में हम इसको इजीली इस टाइप से लगा देंगे। ये देखिए इस टाइप से। तो फ्रेंड हम देखिए, ये जो पेस्ट था, पेस्ट के साथ इसको चिपका दिए हैं। ये प्रॉपरली अब चिपक गया है। अब फ्रेंड एक हम थर्मोस्टेट लेंगे। ये मेरा देखिए गीजर का थर्मोस्टेट है जो आपको इजीली 70 से 80 रुपया में ये मिल जाएगा। तो थर्मोस्टेट को दोस्तों हम ये जो एलिमेंट लगाए, देखिए जो एलिमेंट लगा हुआ है, देखिए कि यहाँ पे होल है थर्मोस्टेट लगाने के लिए। तो इसी होल में हम इस थर्मोस्टेट को लगा देंगे। ये देखिए इस टाइप से आप इसको आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, और एक इनकेप लेंगे। जैसा कि हम आपको फर्स्ट में ही बोले थे कि 3 इनकेप लगेगा ये जो आज हम वाटर हीटर बना रहे हैं उसके लिए। तो ये देखिए और एक इनकेप लेंगे और इसको हम इस टाइप से लगाएंगे। तो यहाँ लगाने से पहले दोस्तों हम इस टाइप से दो पीस इंडिकेटर लेंगे, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो दो पीस इंडिकेटर जो लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में इसका हम होल कर लेते हैं इस टाइप से, दो इंडिकेटर के लिए दो होल कर लेते हैं। फिर आगे कैसे कनेक्शन करना है ये हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम दो होल कर लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड देखिए, हम दो होल कर लिए हैं जो दो इंडिकेटर लगाने वाले थे। तो चलिए हम दोनों इंडिकेटर को इस टाइप से लगाते हैं। ये पहले रेड वाला इंडिकेटर को हम लगाएंगे, ये देखिए, और इसके जो केप है, केप को हम अंदर से लगा देंगे। और अब ये ग्रीन जो इंडिकेटर है, ग्रीन इंडिकेटर को भी लगाएंगे। तो लगाने से पहले इसके केप को हम खोल लेते हैं सबसे फर्स्ट में। ये देखिए अब ग्रीन इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए, और इसके जो केप है, केप को भी हम लगा देंगे। फ्रेंड अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एक हम वायर ले लेंगे। आप इस टाइप से कोई भी वायर लीजिएगा, मतलब वो 2.5 mm से कम नहीं रहना चाहिए, 2.5 से 2 mm के बीच रहना चाहिए दोस्तों। तो ये देखिए, हम ये जो होल, एक होल और कर लिए हैं। तो इस होल में हम ये वायर को डालेंगे जो फेस अप और न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। ये मेरा AC का इनपुट होगा दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो दो वायर है, दोनों वायर में से दोस्तों ये जो कि ब्लैक वाला एक को हम न्यूट्रल बनाएंगे और ये रेड वाला को हम फेज बनाएंगे। तो ये जो इंडिकेटर है मेरा, इंडिकेटर का एक एक वायर को हम डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, दोनों इंडिकेटर का एक एक वायर को हम
इस टाइप न्यूट्रल के साथ फर्स्ट में इसको कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल मेरा कॉमन रहेगा तो दोनों इंडिकेटर को न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए दोनों इंडिकेटर का एक एक वायर को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिए। और न्यूट्रल वायर को दोस्तों, ये जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट के दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं और इसके स्क्रू को हम कस देंगे इस टाइप से। कनेक्शन ढीला नहीं रहना चाहिए दोस्तों, प्रॉपरली कनेक्शन कीजिएगा। तो मेरा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया दोस्तों दोनों इंडिकेटर में। अब दोस्तों ये जो इंडिकेटर का फेज है, ये जो रेड इंडिकेटर है दोस्तों, रेड इंडिकेटर को हम डायरेक्टली एसी फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि ये जो रेड इंडिकेटर जो है दोस्तों, वो मेरा हमेशा जब भी हम गीजर को ऑन करेंगे वो रेड इंडिकेटर ग्लो करते रहेगा। तो चलिए ये दोनों वायर को हम, ये जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट के किसी भी एक टर्मिनल पे इसको हम इस टाइप से कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, और इसके स्क्रू को हम प्रॉपरली कस देंगे इस टाइप से। अब एक छोटा सा रेड वायर लेंगे दोस्तों, ये देखिए। और ये जो ग्रीन इंडिकेटर है, ग्रीन इंडिकेटर का फेज सप्लाई का जो वायर है, फेज वायर जो है दोस्तों, हम ये जो छोटा सा एक वायर लिए हैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। और जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट के ये वाला टर्मिनल, जो एक टर्मिनल मेरा बाकी है उसमें, वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इसको और इसके स्क्रू को कस देंगे इस टाइप से। अब दोस्तों ये जो वायर है थर्मोस्टेट का, दूसरा वाला टर्मिनल के साथ जो वायर कनेक्ट किए हैं, तो ये वायर का जो दूसरा छोर है, दूसरा छोर पे दोस्तों देखिए, जो एलिमेंट में मेरा केवल न्यूट्रल का कनेक्शन किया हुआ है, फेज का कनेक्शन किया हुआ नहीं है। तो ये वायर को दोस्तों हम, ये जो एलिमेंट के एक टर्मिनल जो खाली है उसके साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए, और इसके स्क्रू को हम कस देंगे। अब दोस्तों हम ऐसा कनेक्शन क्यों किए ये भी हम बताते हैं। जब भी दोस्तों हम हीटर को ऑन करेंगे तो ये रेड बत्ती जो है वो ग्लो करेगा, और ये ग्रीन बत्ती दोस्तों तब ग्लो करेगा जब ये जो मेरा जो गीजर में जो वाटर हीट होगा वो हीट फुली हीट हो जाएगा। तो ये जो ऑटोकोट जब होगा दोस्तों, तो ये आपका ग्रीन बत्ती ग्लो करने लगेगा, तब समझ जाइए कि ये जो मेरा हॉट वाटर है वो फुली हीट हो गया है। तो चलिए हम पेस्ट है दोस्तों, पेस्ट को लगा के हम इसको बंद कर देंगे इस टाइप से। ये देखिए, तो फ्रेंड देखिए, ये जो इंडिकेटर था, इंडिकेटर को भी हम लगा लिए और इसके केप को भी प्रॉपरली फिटिंग कर दिए। अब फ्रेंड एक नल लेंगे, ये देखिए, ये मेरा नल है। आप कोई भी प्लम्बर दुकान में इजिली ये आपको 45 रुपया में मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम इस टाइप से यहाँ पे लगाएंगे इस टाइप से। तो चलिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद एक होल कर लेंगे, फिर हम आपको ये लगा के दिखाएंगे कि इसको कैसे लगाना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम एक होल कर लेते हैं ये जो नल है, नल को लगाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, जो होल करना था हमको होल कर लिए हैं। अब ये जो नल है, नल को हम इजिली इस टाइप से लगा देंगे, क्योंकि ये नल जो होगा दोस्तों, ये पानी आउटलेट के लिए होगा। जो जब मेरा गर्म पानी हो जाएगा ये गीजर के द्वारा, तो इससे, इस नल के द्वारा हम पानी इजिली निकाल सकते हैं, इसलिए हम नल यहाँ पे लगा रहे हैं। तो चलिए हम इसको इजिली इस टाइप से लगा लेते हैं। ये देखिए, तो फाइनली फ्रेंड देखिए, हम नल लगा दिए हैं। तो ये तो नल दोस्तों हॉट वाटर निकालने के लिए है, तो यहाँ पे पानी इन करने के लिए एक फिर से यहाँ पे होल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक होल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक इस टाइप से एक व्हाइट पाइप लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए, ये मेरा पाइप है, तो एक होल यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इस टाइप से एक यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, चलिए उसके बाद हम एक होल कर लेंगे, और ये होल जो होगा पानी इन होगा इसमें। तो फ्रेंड देखिए, जो पानी का इनलेट है, जो यहाँ से पानी मेरा इन होगा, उसके लिए होल कर लिए। अब पाइप लेंगे दोस्तों, ये देखिए, और पाइप को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए अब इसके ढक्कन को हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। इसके ढक्कन को बंद करने के लिए दोस्तों, ये देखिए, और एक हम इनकेप लेंगे। टोटल इसमें मेरा 3 इनकेप लगाया दोस्तों, हम आपको पहले ही बताए थे कि 3 इनकेप लगेगा, और ये इनकेप को हम इजिली यहाँ पे इस टाइप से लगा देंगे। तो फाइनली फ्रेंड, जो हम वाटर हीटर बना रहे थे वो मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो चलिए हम अब आपको सेटअप करके इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये कितना जल्दी मेरा हॉट वाटर तैयार करके देगा आपको नहाने के लिए या हाथ धोने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए, जो हम वाटर हीटर बनाए थे उसको देखिए वॉल पे हम सेटअप कर दिए हैं। और ये जो है दोस्तों, ये मेरा नल है, और इसके पाइप को देखिए, हम बेसिन है, बेसिन के साथ इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं। और इसके जो केबल है, केबल को हम देखिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब सबसे पहले एक बार हम ये बेसिन से पानी खोल लेते हैं, ये देखिए। और पानी खोल के सबसे पहले हम जो गीजर बनाए, गीजर में भर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पानी इसमें पूरा भर लिए हैं, एक बार हम आपको पानी खोल के भी दिखाते हैं। ये देखिए, अगर पानी खोल रहे हैं तो ये देखिए ऊपर से ये पानी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा पानी भर गया है पूरा। तो चलिए नल को बंद कर लेते हैं, फिर हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि ये मेरा वाटर हीटर कैसा वर्क करेगा। और जैसा कि हम आपको बताए थे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो इंडिकेटर लगा हुआ है। तो हम अभी जैसे ही हीटर को ऑन करेंगे तो ये रेड वाला जो इंडिकेटर है ये ग्लो करेगा, और जब ये पानी है, पानी पूरा जब हीट हो जाएगा दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली जब पूरा हीट हो जाएगा तो ये जो ग्रीन बत्ती है ये ग्लो करेगा। तो चलिए हम
इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ही स्विच ऑन किए दोस्तों, ये देखिए मेरा इंडिकेटर ग्लो किया। अब हम इसको 5 मिनट भी नहीं रखेंगे दोस्तों, और आपको हम पानी खोल के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरा हॉट वाटर पूरा हॉट हो गया, ये मेरा ग्रीन बत्ती भी ग्लो करने लगा। अब हम आपको इसका टेम्परेचर दिखाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले हम यहाँ का पानी आपको टेम्परेचर करके दिखाते हैं, ये कितना, ये नॉर्मल पानी है दोस्तों। इसका टेम्परेचर देखिए, आप 18.6 डिग्री सेल्सियस ये शो कर रहा है। अब हम आपको इसका पानी निकाल के दिखाते हैं। ये जो गीजर बना है, गीजर का पानी हम आपको एक बार टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये कितना हॉट हो गया है। ये लगभग 5 मिनट हुआ है दोस्तों, 5 मिनट में ये आपको, ये लगभग 2 लीटर का स्टोरेज है, तो 2 लीटर पानी दोस्तों ये लगभग 2 से 3 मिनट में ये पूरा हीट करके दे दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसका पानी हम एक बार आपको खोल के दिखाते हैं कि इसका पानी कैसा खोलता हुआ आपको मिलेगा। तो ये देखिए, ये नल है, नल को हम इस टाइप से खोल लेते हैं। आप यहाँ तक, बाहर तक आवाज़ इसका सुन रहे दोस्तों, ये कैसा पानी ये खोल रहा है। तो देखिए, हम गीजर को ऑफ कर लिए हैं। अब एक बार हम इसका पानी आपको दिखाते हैं कि ये कितना हीट हो गया है। ये देखिए, इसका पानी हम फुली खोल दे रहे हैं, और ये देख पा रहे दोस्तों, यहाँ से आपका भाप निकल रहा है। ये देखिए, हम इसको सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार हम इसका टेम्परेचर आपको करके दिखाते हैं कि ये कितना हॉट हो गया है। तो चलिए, हम इसके पानी को सबसे पहले ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका टेम्परेचर आपका जो 18 डिग्री सेल्सियस था, ये तुरंत आपका 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये देखिए, इसका टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों, जबकि हम गीजर को ऑफ कर दिए हैं और इसमें थोड़ा सा पानी केवल निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये 39 डिग्री सेल्सियस ये शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, 41 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हीट है। आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा पानी हम नहीं निकाले हैं। ये देखिए, हम केवल थोड़ा सा पानी निकाले हैं, और इसके जो नल है, नल को हम फुली ऑफ कर दिए हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी 44 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ का पानी, जो गीजर बनाए, गीजर का पानी 44 डिग्री सेल्सियस ये शो कर रहा है। तो इस टाइप के वाटर हीटर दोस्तों आप खुद से अपने घर में बना सकते हैं। आपको इसमें 4-5 हज़ार रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा गीजर इस टाइप से बना के आप खुली अपने घर में यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जिससे और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।